Arjun is batting. Why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing. Or contact helpline number 9111-2397-8046. Three, two, one. भारत, जहां बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा यहां की पॉलिटिक्स चर्चा में रहती है। देश में किसकी सत्ता शासन होगा ये तय करता है उत्तर प्रदेश।
इसी प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसकी आबोहवा में पिछले 10 सालों से दहशत घुल गई है। इस जिले का भविष्य राजनीति नहीं बल्कि कोई और ही तय करता है, और इसके खिलाफ जाने का मतलब है मौत। मकबूल भाई उठा ले। कहाँ था बे ये? छमिया के पास था साला, आधो से उठा लाया। माफ कर दो मकबूल भाई। जिला गोंडा में मुखबरी वो भी मकबूल के खिलाफ। माफ कर दो मकबूल भाई। मकबूल भाई माफ कर दो, गलती हो गई। माफ गलती हो गई मकबूल भाई, माफ कर दो। बीबी बच्चे वाले माफ कर दो मकबूल भाई, गलती हो गई। अबे हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। गलती हो गई। बीबी बच्चे वाले माफ कर दो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे मुक्ति। चला दे गाड़ी साले पे। भाई इसके बाप का फोन। हाँ ठीक है, जल्दी पैसा लेके आ। और सुन, पुलिस को साथ लाया ना, लौंडा तो तुझे मिल जाएगा लेकिन टुकड़ों में। हे बाबू देख कौन है। क्या है? अबे सुन बे बकलोल, एक इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। ये है आलोक तिवारी और हम हैं यादव। और सुन लो साले, हम दोनों हैं चुलबुल पांडे के सहयोगी। हाँ तो कंप्लीट तो होने दे। और साले जो शहर में गुंडागर्दी कर रहे हो ना, इसको छोड़ दो वरना यही घिरा घिरा के मारेंगे। और बेटा और सुनो, साहब बहुते अड़ियल हैं, जबान कम बंदूक साले ज्यादा चलाते हैं, तो इंतजार करो, हमारी तो मानो राय। तो बी केयरफुल। तो हम चले बेटा, जय जय राम। बंद कर लो दरवाजा। अबे इसकी तो
देख के अच्छा लगा कि सभी का ध्यान मुझ पे है। घुस गए साले, कह रहे थे बेटा बी केयरफुल, लेकिन हरामी बना किया पहले गए। अबे इतने आदमी, अरे सर हाँ तो भैया, हम हैं चुलबुल पांडे और आप पप्पू और ये लड़का चिंटू। हाँ तो ये मामला हुआ हमारे और आपके बीच का, ये लड़का ठहरा थर्ड पार्टी, आप ही कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि लड़का एंजॉय करे और सेफ जोन में आ जाए। पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठोका ही अलग से। और उसी पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। अबे मार इसको! सर, सा वक्त पे हम लोग हाजिर हैं। अच्छे टाइम पे आए यादव जी। लड़का बैठा है, अरे अरे उसको उसके पिता के पास पहुंचाइए। कहां गए? अरे बिल्कुल साहब, अरे इसको लड़के को अभी तुरंत पहुंचा रहे हैं। अरे अरे यार तिवारी, तुम सिर्फ नौटंकी करते हो। अरे साहब, लड़के को तो गाड़ी में बैठा दिए। हाँ सर, कहां है कमीने? अरे कमीने से याद है यादव जी। जी सर। अब आपके आदरणीय पिताश्री कैसे हैं? अरे बहुत अच्छे हैं सर। गुंडे सब घायल पड़े हैं, उनको छोड़ दो। सर छोड़ देंगे तो हमारे लोग का प्रमोशन क्या होगा? प्रमोशन? हाँ। अरे सर जी। यादव जी। हाँ साहब। आपके दिलो जहन में भी कोई ऐसे ख्यालात? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ख्वाबों में भी नहीं सर। आई लव यू सर। I love you too। इसको पकड़ लिया तो समझो लल्लन इज टोटली फिनिश। और अगर लल्लन सिंह को ही पकड़ लिया जाए तो फिर तो मिशन ही ओवर हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये है लल्लन सिंह, सारे गेम का मास्टरमाइंड। तो ये है ठाकुर लल्लन सिंह। क्या हुआ साला, पता या कुछ बता साले, कहां है फाइल और वीडियो? बता बता साले, बता। नहीं बताएगा? बता 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 साले, कहां है फाइल और वीडियो? नहीं बताऊंगा कभी। बता साले, आप भी तो कभी नहीं बताऊंगा। बता साले, बता साले। नहीं बताएगा। मुझे मारना है, मार दे। बता, आज तेरी मौत तो पक्की है बेटा। वीडियो फाइल नहीं मिलेगी। जब जबान
और दिमाग दोनों चलने लगे। तो दोनों को शांत कर देना चाहिए। भैया, बहराइच वाला मर्डर केस फाइनल कर दिए हैं, आप केस जीत गए हैं। अच्छा हुआ मान गए साले, वरना सब के सब नरकवासी हो जाते। ए मकबूल। जी भैया। ओ वजीरगंज वाले मामले का क्या हुआ? मामला हमरी कंट्रोल में है भैया। माने तो ठीक, नहीं तो ठोक देना सालों को। अरे मानेंगे कैसे नहीं भैया, अल्पलास से खींच लेंगे सालों का। वैसे भैया सुने, नया थानेदार जो आया बहुत ही अड़ियल है। छेदी और बच्चा को तो जड़ से साफ कर दिया ससुरा। तो क्या करे, लुटिया लंगोटिया लपेट कर अयोध्या चले जाए, गोंडा छोड़ भागे वो भैया। हाँ हाँ पता है, वो थानेदार कम और कारोबारी ज्यादा है। जी भैया। अब देखते हैं उसके यहाँ आने से हमें फायदा होता है या नुकसान। ए ड्राइवर मंदिर चल। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल गे चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। जी यादव जी, नाना खाना खाने आए हैं, देखे आपकी भाभी ने क्या बनाया है। नाना आते हैं। जी जी रज्जो रज्जो, अरे कहाँ गई रज्जो। तेरे मस्त मस्त ए मक्खी, मक्खी क्या भैया, कहाँ है भाभी तुम्हारी? भाभी नहीं है, भाभी गई है? नहीं है मतलब? अरे दीदी गई है अदियाली मौसी के घर। जीजा जी पायल आ गई, हमको भेजा है आपकी सेवा के लिए। एक मिनट। जीजा जी स्माइल। हेलो रज्जो, ये सब क्या है? हैं? अरे तुम गई तो ठीक, इस साले को क्यों भेजा यहाँ पे? जीजा जी एक मिनट। स्माइल। देखो कैसा पागल है। अच्छा क्या 15 दिन? हेलो हेलो रज्जो कहाँ गई? हेलो काट दिया अपनी बिल्ली अपने से म्याऊं। सर ये फाइल। किसकी फाइल है? वही ललन सिंह के आदमी की लाखन। अच्छा अच्छा, जिसको कल ठोक के अंदर डाला था। हाँ सर। तो एक काम कीजिए। जी साहब। थोड़ा स्वागत आप दोनों भी उसका कीजिए और उसकी फाइल देखते हैं हम शाम में, ठीक है? जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ रे पांडे, हमारे आदमी लोगों को बंद कर दिया। उधर लल्लन भैया गरम, इधर तू गरम, मामले को थोड़ा ठंडा करने आया हूँ। अरे बाप रे बाप, कुर्सी पर मत बैठो, जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए तब तक शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऐसा बोल के कुर्सी पे लात तो नहीं मारेगा। चल यादव एक कटिंग मंगा ले। पांडे छोड़ देना मेरे आदमी को,
नहीं छोड़ा तो? नहीं छोड़ा तो वकील छुड़ा के ले जाएगा। ये जानता है क्या है? जानता भी हूं और चलाता भी हूं। का पांडे मेरे को ठोकेगा? नाना तुमको नहीं ठोकेंगे। अरे सर पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वाले पे गोली चलाएगा तू? पांडे तू अच्छा नहीं कर रहा है। पुलिस स्टेशन में गोली चलाएगा तू? कमाल करते हो यार मकबूल। अभी तो बड़ा डायलॉग बाजी चलाए थे तुम, अब क्या हुआ? पांडे तू जानता नहीं हम कौन हैं और लल्लन भैया कौन है? छटे हुए बदमाश हो तुम दोनों, लल्लन सिंह भी हो तुम भी। यादव जी एक काम कीजिए, अब आप ये लखन का और इनका, जी सर, दोनों का कीजिए स्वागत। बिकॉज आई नो यू बिलीव इन हिंसा, अब मना मत कीजिएगा। जी जी सर बिल्कुल सर, बस ये बताते जाइए। पूछिए कि इसका पिछवाड़ा बंदर जैसे रेड करें या भय जैसे ब्लैक? व्हाट यू वांट यू कैन डू यादव जी। बिल्कुल सर। और इनको क्या हुआ, किसने छेद बढ़ा दिया? कुछ नहीं सर, ऐसे ही हो गया। अच्छा हाँ सर, तो डॉक्टर के यहाँ ले जाइए, इलाज उलाज करवाइए। भैया वो थानेदार ने लखनऊ को अंदर बंद कर दिया और मकबूल भैया गए थे छुड़ाने, ससुरा उनको भी अंदर डाल दिया। काका? हाँ भैया, बहुत ही आग मूतरा है साला। ए वकील। जी भैया। एक घंटे में मकबूल हमका यहाँ चाहिए। जी भैया। ठीक भैया। बाकी बुलाओ उस थानेदार को, जरा हम भी तो देखें कितनी गर्मी है उसकी वर्दी में। लगा एक्सपी को फोन। बुला मुन्ना एक एक को। अब चल एक एक करके सब लोग। चल डाल। मालिक मेरी बीबी बहुत बीमार है मालिक, 2 महीने से बहुत परेशान हूं मालिक। मालिक क्षमा कर दीजिए मालिक, दया करो, बहुत परेशान हूं मालिक। क्या बोला बे साला, पैसा नहीं देगा? मालिक क्षमा कर दीजिए मालिक। भैया आप बैठिए,
क्या बोला बे? अरे मालिक मेरी बीवी बहुत बीमार है मालिक। क्या बोला बे? पैसे नहीं है? चल पैसे डाल। नहीं है मालिक। चल। नहीं है मालिक। क्या बोला बे? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। बाप के दीवार। पैसे नहीं है। नहीं है। पैसे नहीं है। नहीं है मालिक। पैसे नहीं है। बाप के दीवार। पैसे नहीं। क्या बोला? पैसे नहीं है। नहीं है मालिक। माफ कर दीजिए मालिक। नहीं है मालिक। पैसे नहीं है। बाप के दीवार। पैसे नहीं है। नहीं है। पैसे नहीं। क्या बोला? नहीं है मालिक। पैसे नहीं है। बाप के दीवार। नहीं है मालिक। पैसे नहीं। क्या बोला? ठीक है मंत्री जी, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। ललन सिंह क्या पार्टी में थे? आ जाएंगे आधे घंटे में, बस पहुंच रहे हैं। ठीक है। ठीक। हाँ 200 एकड़ जमीन लिखवा दिए हैं। अब रख फोन। भैया बल्ले ना बल्ली ना, तुम्हारी जगह हमारे दिल में है, पैरों में नहीं। तू तो मेरा मुन्ना है मुन्ना। और बेटा बहुत सुकून मिलता है जब तुम मुझसे गले मिलता है। तू तो हमारी आंख का तारा है। भैया हम आते हैं, जा एंजॉय कर। नमस्कार ललन भैया। नमस्कार ललन भैया, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और चेयरमैन साहब बैठिए बैठिए बैठिए। और विधायक जी आपका क्या हाल चाल है भैया? ठीक है। और चेयरमैन साहब आपका ठेका पट्टा कैसा चल रहा है? बढ़िया भैया, कृपा है सब आपकी। और विधायक जी आपका? सब बढ़िया है आपके आशीर्वाद से। चलो ठीक है, एंजॉय कीजिए पार्टी। ललन भैया, ससरा नया थानेदार बहुत तंग किए सबको। चेयरमैन साहब सही कह रहे हैं, बहुत परेशान किए हैं। विधायक जी, जब चूहे की दोस्ती नेवले से हो जाए तो उसे सांप से नहीं डरना चाहिए। भैया पांडे, आओ पांडे। आइए एसपी साहब आइए। लीजिए ललन जी, ले आए यहाँ पे खास मेहमान पांडे को। हे मकबूल। जी भैया। वो बहराज वाले मैटर का हुआ, अगर ना माने तो 6 आदमी लेकर घर में घुस जाना और लगा देना घोड़ा साले की कनपटी पर। पांडे आप है ललन सिंह? छोड़िए एसपी साहब, नाम बता दिए हैं, आगे खुद समझ जाएंगे। नए नए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए।
अब सुनाए हैं तो सुनते भी जाइए। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, शायद आपके समझ में ना आए। आपका फुल नेम है ठाकुर लल्लन सिंह और पेट नेम है लल्लू। आपके अलावा आपके पिताजी ने एक गलती और की, बल्ली। जिला गोंडा में चाय बेचने से स्टार्टिंग किए थे, आज जिले को ही चाय की तरह उबाल रहे हो। कमाल करते हो यार लल्लन सिंह। आपको शादियों का बड़ा शौक है, 3 शादियां की, लेकिन अपनी बीवियों को नहीं अपनी सालियों को प्रेग्नेंट किया। क्या बात है। वैसे इस चाय वाले के पावर की बात की जाए तो गोंडा जिला क्या, इस मंडल के MPs और MLAs ये चाय वाला डिसाइड करता है। गुड। इसके आगे की इंफॉर्मेशन थोड़ा गोपनीय है, ना हम कह पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। क्यों बे, जिंदा है अभी तक है? चल। आप चुप कहे थे, ठोकना चाहिए था साले को वहीं पर। हमारे चुप रहने का मतलब है कि सामने वाले का हमसे बड़ा होना। जो कुछ हुआ है मन से निकाल दिए हैं, ऐसा कहां कह रहे हैं हम। कभी कभी फड़फड़ा कर नहीं बुद्धिमानी से काम लेना पड़ता है, तभी तो 10 साल से दबदबा बनाए बैठे हैं इस शहर में। बाकी आज जो पांडे रंग दिखाए ना हमका, अकाउंट खोल दिए हम उनका। साहब हाँ बोलो साहब, एक FIR लिखवानी थी। नाम बताओ। ठाकुर बल्ली सिंह। ठाकुर बल्ली सिंह। FIR नहीं लिख पाएंगे। अरे क्यों साहब। अरे कहा ना FIR नहीं लिख पाएगी। अरे यार इसको समझाओ यार, मेरी वर्दी उतरवाएगा क्या, और किसके खिलाफ FIR लिखा रहा है तू, जानता नहीं बल्ली सिंह कौन है। साहब गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं साहब। अरे साहब लिख लो साहब, आपके पैर पकड़ रहे हैं। तिवारी जी इसको भगाइए। चल। अरे साहब गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं साहब। जैन साहब यादव जी। हाँ साहब। जनता के सेवक हैं या बल्ली सिंह के। जनता के सर। जनता के सेवक हैं जी सर। आइए बैठिए। तो फिर बल्ली सिंह की भाषा क्यों बोलते हैं थाने में। वो सर FIR लिखिए। नाम बताइए। We'll be right back.
सर FIR लिख दिया। हम क्षमा चाहते हैं कि हमारे होते हुए इतना कुछ यहाँ पर हो गया। आप जाइए, पुलिस आपके साथ है। धन्यवाद साहब। यादव जी। हाँ सर। बल्ली सिंह तक FIR पहुंचाने का जिम्मा आपका, और तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। जी अब आप जा सकते हैं, और आप भी। जय हिंद सर। जय हिंद। यादव जी। हाँ सर। संजय सिंह की फाइल कहाँ है? सर हमारे पास है। हाँ देना। इसके मामले का क्या हुआ? कोर्ट में सुनवाई थी, बेल हुई नहीं हुई? बेल तो नहीं हुई सर। ठोको साले को जब तक थाने में बंद है। विकास की फाइल दीजिए। जी सर। काबे पांडे, साला हमरे नाम से FIR फाड़ दिए काबे। जिले के बाप हैं हम, साला थाना सही तुमको फूंक देंगे हम। तुमको पता है हम कौन हैं? हम लल्लन भैया के भाई हैं। यहाँ गवाह भी हम हैं, सबूत भी हम हैं, और जज भी हम हैं। हाँ तो? तुम जैसे 50 थानेदार रोज सलूट ठोकते हमको ऐसे ऐसे। लगता है बल्ली भैया भावनाओं में बह गए हैं। साला ठोकेंगे, पूरा चिलवा को ठोकेंगे। अभी बाकी है। बता। पांडे रास्ते से हट जाओ, वरना तुमने रास्ते लगा देंगे। हाँ शुक्ला जी, वो जमीन वाला मैटर फाइनल कर दिए हैं। चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। बाकी लल्लन सिंह है ना, सब देख लेंगे। हाँ हाँ नमस्कार। मुन्ना। हाँ मुन्ना। काबे मुन्नवा, सुनता काहे नहीं है? आए, और ये किसकी लात उठा लाया तू? आए भैया। अबे मुंह से कुछ बोलेगा भैया? वो अबे वो क्या लगा रखा है, बोल भैया। वो मुन्ना, डॉक्टर को बुला, बुला डॉक्टर को। उठ बल्ली, बल्ली, बल्ली। हे मुन्ना, डॉक्टर को काहे नहीं बुला रहा है? हे बल्ली, बल्ली उठ। और बल्ली क्या हुआ बल्ली? हे मुन्ना, क्या हुआ बल्ली को? जिला में आग लगा देंगे अगर हमारे बल्ली को कुछ हो गया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे बल्ली को? चुलबुल, चुलबुल ने कहा किया? चुलबुल ने उसने मार दिया भैया। बल्ली, ए बल्ली, तुझे कुछ नहीं हो सकता बल्ली। पांडे
भैया आप कहे तो उस साले थानेदार को यही उठा लाए और बलि चढ़ा दे हरम जौदे की। भैया भैया का कहा भाई हमरा मरा है अब बलि तू देगा और सुन लो सब लोग पांडे को कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको ऐसी मौत मारेंगे कि मौत भी कांप उठेगी समझे सब लोग। आओ बैठो चुलबुल। यस सर। क्या हुआ सर? बड़ा अर्जेंटली बुला लिए? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। लेकिन चुलबुल, मैंने तुम्हारे ट्रांसफर की अर्जी लगा दी है। का है? देखो लल्लन सिंह जैसे लोगों को हम अच्छे से जानते हैं। एक नंबर के कमीने और घिनौने इंसान है। भाई की मौत के बाद ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे और तुम ठहरे परिवार वाले आदमी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मक्खी पता नहीं ये कहाँ चला गया। ये मोहल्ले के बच्चे भी ना पता नहीं कौन था। आप लोग कौन हैं? घर में कैसे आ गए? नमस्कार भाभी जी। कैसी हैं आप? अरे डर कह रही हैं? हम तो आप ही से मिलने आए हैं। घबरा कह रहे हैं भाभी जी? हम तो आप ही से मिलने आए हैं। पांडे जी कहाँ हैं? अरे वाह, तो आज आप पांडे जी को सब्जी खिलाएंगी? आप घबरा कह रही हैं भाभी जी, जरा बैठिए तो सही। ए, कौन हुआ है? निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से, निकल। घर में कैसे घुसा है? ए मुन्ना, मैंने कहा छोड़ो उसको छोड़ो। भैया को फोन लगाता हूँ, रुक। तुम में से कोई नहीं बचेगा, आने दो भैया को। अभी बुलाता हूँ भैया को। तेरे भैया की तो भाभी जी, आप इतना टेंशन यहां कह रही हैं? आपको इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे, आपको तो तड़पा के मारेंगे। वो पांडे जी अंग्रेजी में बहुत कहावत कहते थे, आज उनको एक कहावत हम कहेंगे।
आज पांडे को हम ऐसा तोहफा देंगे। वो जिंदगी भर याद रखेगा। बहुत तकलीफ दी ससरा पांडे ने हमको, अब वो तकलीफ में जिएगा। पांडे को फोन लगा। पांडे, अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा लिए है ना अपनी पत्नी का, जाके तोड़वा लेना, मुक्ति दे दिए हैं। पांडे, कैसा लगा तोहफा? आज तुझे अफसोस होगा कि तुम गुंडा आए का है। मुझे अफसोस हो न हो, लेकिन आज तुम्हें यह एहसास जरूर होगा कि मुझे गुंडा नहीं आना चाहिए था। भैया, हम तो कह रहे हैं कि आज का प्लान टाल देते हैं। पांडे बहुत ही खतरनाक आदमी है, फिर किसी दिन सही समय देखकर उसको लपेटे में ले लेंगे। हमका देख के तुम्हें क्या लगता है, पांडे की मौत कुछ दिन और टल सकती है? आ जाओगा सब कुछ। हाँ भैया, आ जाओगा सब कुछ। आज ही साले को काटेंगे भी और इसी भट्टे में अंतिम संस्कार भी करेंगे साले का। अरे दस साले को, अब बढ़िए ना भैया। और देखिए तमाशा इस ससरा की मौत का। Thank you.
लल्लन भैया साले को। मर गया साला। आज साले को एहसास होगा कि गोंडा जिला में आए काहे, आए तो लल्लन सिंह से टकराए काहे। और पांडे, और अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख।